नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर। जी हां दोस्तों, लगातार यहां स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि क्या यूपी पीएससी की तरफ से जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसके बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं, कोविड-19 ने बिगाड़ा यूपी पीएससी की परीक्षाओं का शेड्यूल, अब नए सिरे से जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। यहाँ देख सकते हैं 13 जून को प्रस्तावित इस परीक्षा को स्थगित करने की जो है मांग की जा रही है, और पीसीएस 2021 परीक्षा पर भी पड़ेगा असर। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल बटन पर क्लिक कर दे, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं, भर्ती परीक्षाएं स्थगित होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया है। कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक यूपीपीएससी 3 परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है। यही स्थिति रही तो पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा भी टलनी लगभग तय है। स्थगित परीक्षाएं कराने के लिए अब नए सिरे से कवायद करनी होगी। इसके लिए कैलेंडर में नई तारीख तय करके युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी 2021 में प्रस्तावित समस्त परीक्षाएं पूरी हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में 2021 में 16 परीक्षाएं प्रस्तावित रही हैं। मार्च महीने तक प्रस्तावित 3 परीक्षाएँ कराई जा चुकी हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण अप्रैल व मई में प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। स्थगित होने वाली परीक्षाओं में 17 अप्रैल को राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020, फिर 23 मई को प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 और 23 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 शामिल हैं, जबकि 13 जून को पीसीएस प्री 2021 और 20 जून को प्रवक्ता महिला पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 को होनी है। उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये परीक्षाएं भी टलनी तय हैं, क्योंकि प्रतियोगी भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आरओ एआरओ 2016 के चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन स्थगित किया जा चुका है। यह 22 से 24 अप्रैल के बीच होना था, इससे चयनितों की नियुक्ति भी फंस गई है। पीसीएस 2021 परीक्षा पर पड़ेगा असर, ये देखिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मई महीने की 2 परीक्षाएं स्थगित होने से पीसीएस 2021 के टलने के आसान नज़र आने लगे हैं। 13 जून को प्रस्तावित इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, और इस भर्ती में 7 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण शारीरिक दूरी मानक का पालन करते हुए परीक्षा कराना संभव नहीं है, इसलिए परीक्षा स्थगित करने की मांग लगातार हो रही है। तो फ्रेंड, ये रहा ओवरऑल न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने आपको इसमें बताया कि किस तरीके से जो है संकट छाए हुए हैं यूपीपीसीएस 2021 को लेकर, और इसमें मौजूदा हालात में आप देखेंगे तो लगभग 7 लाख आवेदक जो है इस फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, और लगातार डे बाई डे जो है कोरोना के हालात आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से भयावह होती जा रही है। ओके फ्रेंड, और यहाँ देख सकते हैं अभी आरओ एआरओ की जो भी नियुक्तियाँ मिलने वाली हैं 23 अप्रैल को, उसको भी यहाँ पे टाल दिया गया, उन लोगों को नवयुक्ति नहीं मिल पाई है। तो इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी मिल पाई है। अगर आप और भी अधिक जानकारी जुड़ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का साथ में इंस्टा और ट्विटर का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।